न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इस्तीफा देने को तैयार सीएम उद्धव ठाकरे, शिवसेना विधायकों के सामने रख दी बड़ी शर्त। SBI ग्राहकों को 1 लाख के बैलेंस मेंटेनेंस पर ATM ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं, ट्रांजैक्शन शुल्क में हुआ बड़ा बदलाव। और किरीट सोमैया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उद्धव ठाकरे परिवार के खिलाफ की गई याचिका दर्ज, हाईकोर्ट में याचिका आने की संभावना। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव करके स्पष्ट कर दिया कि उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं है। उन्होंने मराठी भाषा में किए गए लाइव में कहा कि अगर शिवसैनिक मुझसे नाराज है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। अगर मैंने विधायकों का विश्वास खो दिया है तो मैं इस कुर्सी के लायक नहीं हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देने को तैयार हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि शिवसैनिक ही सीएम बने, उन्हें शिवसेना का कोई भी सीएम मंजूर होगा। माझ्या मी ज्यांना माझे मानतो त्यांच्यापैकी किती जण तिकडे गेलेत, किती जण माझ्या विरुद्ध मतदान करतील, नाही। एकानी जरी माझ्या विरुद्ध मतदान केलं तरी ते माझ्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे, आणि म्हणून मला एकही मत माझ्यावरती त्यांना अविश्वास ठराव दाखवण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी मला सांगावं। मी कुठेही त्या नावाचा उच्चार करणार नाही, वाच्यता करणार नाही। तुम्ही सांगा मी मुख्यमंत्रीपद सोडलं, बस। ह्याच्यावर आणखीन काय सांगू? मी माझं मन घट्ट करून तयारीने बसलेलो आहे। मात्र बांधवांना आणि भगिनींना एकच सांगेन की जे प्रेम तुम्ही आजपर्यंत दिलं, उद्या मी सांगितलेलंच आहे की मुख्यमंत्रीपदी माझी राहायची अजिबात इच्छा नाही, पण त्याच्यानंतर सुद्धा जेव्हा जेव्हा आपली भेटघाट होईल ती मात्र जसा मी फिरत जाईन तशी प्रत्यक्ष होईन, तेव्हा मात्र तुम्ही हे दाखवत असलेलं प्रेम हे सदैव असंच कायम ठेवा। नगर परिषद के अधिकारियों के ध्यान न देने की वजह से शहर के कई हिस्सों में पिछले 4 साल से रास्तों पर हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, जिस पर कोई उपाय नहीं निकाला गया तो पानी में सड़ रहे कचरे और मलबे की वजह से नागरिकों में बीमारियां फैलने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। अब इस पर नगर परिषद क्या कदम उठाती है और कब नींद से जागती है ये देखना बाकी है। नगर परिषद दिग्रस के निजी कमीशन नियोजन की वजह से नगर परिषद के अधिकारियों की खामोशी से पिछले 4 साल से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। पूर्व वन मंत्री संजय राठौर ने जलापूर्ति के लिए दिग्रस नगर परिषद के लिए करोड़ों रुपए लाए, लेकिन नगर परिषद की योजना की कमी और किसी भी विकास कार्य में कमीशन की गुणवत्ता के कारण दिग्रस नगर परिषद की समस्याएं जैसी की वैसी ही है। पिछले 4-5 वर्षों से विश्राम गृह के पास की दीवार से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया है और आसपास के क्षेत्र से सड़ रहा मलबा और पानी दीवार पर लौट आया है, जिससे नागरिकों में महामारी का खतरा बढ़ गया है, जिस वजह से सोए हुए नगर परिषद के अधिकारी नागरिकों में बीमारी फैलने से पूर्व ध्यान देंगे कि नहीं, ऐसा सवाल दिग्रस शहर में खड़ा हो गया है। स्वच्छ और सुंदर शहर केवल नगर परिषद के कागजों पर, स्वच्छ और सुंदर शहर के धन तक ही सीमित क्यों है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत धुले जिले के 14 वर्ष से कम उम्र के 32 बच्चों के हृदय का ऑपरेशन SMBT अस्पताल नासिक में निःशुल्क किया जाएगा। इसके लिए धुले जिला सर्जन डॉक्टर कंचन वनेरे के मार्गदर्शन में इन बीमार बच्चों और पालकों को मुफ्त प्रवास से नासिक भेजा गया। धुले जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है। इसी प्रकार शिविरों के माध्यम से हृदय की जांच करते उन्हें हृदय शल्य चिकित्सा की आवश्यकता के चलते 32 बच्चों को आज नासिक भेजा गया। सरकार की इस योजना के तहत नासिक के SMBT अस्पताल में मुफ्त सर्जरी करने के साथ साथ उनके यात्रा और परिवहन खर्च, भोजन और आवास की व्यवस्था की गई है। धुले जिले में 2016 से अब तक 864 बाल चिकित्सा हृदय शल्य चिकित्सा सफलतापूर्वक की जा चुकी है। अन्य सर्जरी भी बड़े पैमाने पर की गई है। धुले जिला सर्जन की ओर से सर्जरी की जरूरत वाले सभी बच्चों को नासिक भेजते हुए जिला सर्जन डॉक्टर कंचन वानेरे ने उनसे मुलाकात की और अपने माता पिता से चर्चा की। उन्होंने बच्चों की यात्रा को हरी झंडी दिखाई। महेश भड़ांगे, संजय शिंदे, जगदीश सनेर, प्रतिभा घुड़के, राजीव भामरे, सोपान पाटिल, गणेश पाटिल, विजय जोशी आदि उपस्थित थे। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत धुळे जिल्ह्यामध्ये 2016 पासून सर्व बालकांची जे शासकीय शाळेमध्ये आहेत तसेच अंगणवाडीमध्ये यांची तपासणी नियमित होत असते।
दरवर्षीप्रमाणे आपण यावर्षी सुद्धा ती तपासणी सुरू केलेली आहे व यावर्षी आपण जवळजवळ एप्रिलपासून 150 रुग्णांचं एक शिबिर घेतलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये जे 14 वर्षाच्या अंतर्गत बालकं आहेत त्यांचं 2D इको शिबिर घेऊन त्यांची हृदयाची तपासणी केली व त्यातील जवळजवळ 32 हे रुग्ण आपण काढलेले आहेत की ज्यांना हृदय शस्त्रक्रियेची गरज आहे. 2016 पासून धुळे जिल्ह्यामध्ये हृदय शस्त्रक्रियेच्या 864 केसेस झालेल्या आहेत आणि त्याच्यानंतर जे अदर सर्जरी असतात म्हणजे जे हायड्रोसिल असेल, हर्निया असेल, फायमोसिस असेल अशा किंवा टंगटाय असेल, स्क्विंट असेल अशा सुद्धा जवळजवळ 6000 शस्त्रक्रिया धुळे जिल्ह्यामध्ये झालेल्या आहेत. आजच ही सर्व बालके SMBT कॉलेजमध्ये गेलेली आहे, त्यांना धुळे जिल्हा रुग्णालयातर्फे व सर्व RBSK टीम आहे त्यांच्यातर्फे शुभेच्छा. ते लवकरात लवकर बरे होऊन येतील आणि त्यांची पुढची सुद्धा ट्रीटमेंट आम्ही इथे करणार आहोत. धन्यवाद. अगर आप स्टेट बैंक के ग्राहक है तो आपके लिए जरूरी खबर है. बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है जिससे ग्राहकों को सीधा फायदा मिलेगा. इसके तहत अगर आप 1,00,000 रुपए तक का बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको ATM ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा. इतना ही नहीं, अगर आप किसी और बैंक के ATM से पैसे निकालते हैं तो आपको 3 ट्रांजैक्शन फ्री मिलेंगे. वहीं नॉन SBI ATM से पैसे निकालने की अलग लिमिट है. अब नए नियम के तहत ग्राहकों को ATM से पैसे निकालने के लिए निश्चित सीमा के बाद अलग शुल्क देना पड़ेगा. अब आपको SBI और नॉन SBI ATM के आधार पर 5 से 20 रुपये तक का चार्ज देना पड़ेगा. अगर आप SBI ATM से तय लिमिट से ज़्यादा पैसे निकालते हैं तो आपको 10 रुपये तक का चार्ज देना पड़ेगा. वहीं नॉन SBI ATM से तय लिमिट से ज़्यादा पैसे देने पर आपको 20 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा. अब नए नियम एक तहत SBI के बैंक ATM से बैलेंस चेक करने के लिए 5 रुपये और अन्य बैंकों के ATM से बैलेंस चेक करने के लिए आपको 8 रुपये का चार्ज देना होगा. लेकिन अगर आप 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा. वहीं इंटरनेशनल बैलेंस ट्रांजेक्शन पर आपको कुल ट्रांजेक्शन चार्ज 3.5% और 100 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे. यानी नए नियम के तहत SBI के ग्राहकों को बड़ा फायदा मिलेगा. अब आप आराम से बैंक ATM इस्तेमाल कर सकेंगे वो बिना कोई चार्ज दिए. लेकिन इसके लिए आपके खाते में 1,00,000 रुपये मेंटेन रहना अनिवार्य होगा. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.
के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। पूरे देश भर में शिवसेना की सरकार को लेकर उत्सुकता लगी हुई है। इस मामले पर संभाजी राजे भोसले ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी सरकार आएगी उसने सामान्य नागरिक, किसान, छात्र व समाज के प्रश्नों और परेशानियों पर ध्यान देना चाहिए। पिछले 15 दिनों से जो हो रहा है वो सही नहीं है। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुझे राज्यसभा में उम्मीदवारी दी होती तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। अगर आप लोगों को गरीबों की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो ये सौभाग्य की बात है। आने वाले 2.5 सालों में महाराष्ट्र का नाम देश भर में कैसे पहुंचाया जाए, इस पर सरकार को ध्यान देना जरूरी है। कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, ये शिवसेना का वैयक्तिक अधिकार है। मैं चाहता हूँ कि सरकार किसानों और आम आदमी पर ध्यान दे। मला एवढंच या प्रसंगी सांगायचं आहे की जे कोणाचं सरकार येईल त्यांनी सामान्य माणसांचं, शेतकऱ्यांचं, कष्टकऱ्यांचं, विद्यार्थी विद्यार्थिनींचं, समाजाचा प्रश्न सॉल्व करायला पाहिजे। जे काय या 15-20 दिवसात जे घडलं आहे हे काय बरोबर नाही आहे। मला मी माझं स्वतःचं म्हणत नाही, पण जर पुरस्कृत मला देऊन टाकलीस की हा सगळा खंडोबाचं जे काय घडलं आहे हे घडलंच नसतं, हा खेळ खंडोबाचा घडलंच नसतं। आणि म्हणून माझी विनंती राहील तेच होते, जे आपल्या इतिहासात जायचं नाही आहे। पण तुम्हाला आलेली संधी ही गरिबांच्या, ह्या मराठी लोकांच्यासाठी ही सुवर्ण संधी आहे। आणि ह्या 2-2.5 वर्षात तुम्ही परत एकदा महाराष्ट्राचं नाव हे देशभर कसं पोचवता येईल हे याकडे तुम्ही सर्व सरकारने लक्ष घालणं गरजेचं आहे। आपले जे नाखुश आमदार लोक आहेत त्यांच्याबद्दल तुमचं काय म्हणणं आहे? कुठले ज्यांनी आता बंडखोरी केलेली आहे? नाही, मला त्याच्यात राजकारणात, त्या राजकारणात मला पडायचं नाही आहे। तो त्यांचा वैयक्तिक अधिकार आहे कुठं जायचं कुठं नाही। त्यांना एवढंच सांगायचं, एकदा सत्ता स्थापन झालं कोणाचंही होऊन दे, पण त्यांनी या सामान्य मराठी माणसांचं हे याच्याकडे केंद्रबिंदू लक्षात ठेवून, शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू लक्षात ठेवून या महाराष्ट्राचं नाव उज्ज्वल करावं, एवढीच माझी त्यांना विनंती राहील। पिछले 1 सप्ताह में नागपूर के झोन 4 और झोन 4 के तहत 6 थानों में 21 अपराधों का पुलिस ने पता लगाया है। इन 21 मामलों में लूट, चोरी, वाहन चोरी, बैग लिफ्टिंग समेत कई अन्य मामलों में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधों में हुडकेश्वर पुलिस ने महिलाओं के एक समूह को गिरफ्तार किया है। इस गैंग में 6 महिलाएं हैं और यह आरोपी महिलाएं बैग लिफ्टिंग का काम करती थी। इन 21 मामलों में पुलिस ने आरोपियों के पास से 26 लाख रुपए से अधिक की राशि जब्त की है। कुछ नाबालिगों सहित 20 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। जोन 4 के DCP नरुल हसन ने कहा कि इस कार्रवाई के बाद नागपुर शहर में चोरी, सेंधमारी और वाहन चोरी में कमी आएगी। बरोबर आहे। 2-4 हद्दीमध्ये आमची DB पथकानी आणि DCP पथकानी 21 गुन्हे उघडकीस आणले आहे। त्याच्यामध्ये 4 मेन गुन्हे आहे ज्याच्यामध्ये आम्ही 4 गँग पकडले आहे। हुडकेश्वरच्या एक लेडीच्या गँग आहे, त्याच्यामध्ये 6 लेडी आम्ही 6 महिला ला अटक केलेली आहे। आणखी काही महिला याच्यामध्ये फरार आहे। DCP पथकानी एक वाहन चोरी करणारा आणि मोबाईल चोरी करणारा गँग पकडलेला आहे। त्यांच्यावर पण बरेचसे गुन्हे त्यांच्यावर दाखल आहे आणि मुद्देमाल 7,16,000 मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। वाठोडामध्ये एक गँग आम्ही पकडले आहे जे बँक चोरीमध्ये भारत मायक्रो फिनान्स बँक आहे, त्याच्यामध्ये ते ॲक्टिव्ह होते। जवळपास 3 लोकांना आम्ही अटक केलेले आहे। एक विधी संघर्ष बालक आहे, 3,30,000 मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेले आहे। बेलतरोडीमध्ये घरफोडी करणारा एक सरायत गुन्हेगार आणि त्यांच्या गँग अजमेरहून आमची टीमनी पकडला आहे। त्यांच्याकडून 7,45,000 मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। त्यांच्यावर 40 पेक्षा जास्त गुन्हे त्यांच्यावर दाखल आहे। एकंदरीत 7 दिवसात 21 गुन्हे, वाहन चोरी, घरफोडी, बॅग लिफ्टिंग आणि रॉबरीचे, मोबाईल चोरीचे 21 गुन्हे उघडकीस आणले आहे आमची टीमनी। आणि एकूण मुद्देमालची जी किंमत आहे, अंदाजित किंमत 26,85,000 आहे। यांच्यावर प्रत्येकाच्या रेकॉर्ड बघून यांच्यावर हिस्ट्री शीट आम्ही ओपन करणार आहे। आणि हिस्ट्री शीट ओपन करून यांच्या डोझियर तयार करून यांच्यावर वेळोवेळी यांना आम्ही चेक करणार आहे। रश्मी ठाकरे, मनीषा वायकर ने अन्वय नाईक से बंगले छिपाने के खिलाफ याचिका दर्ज की है। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, ऐसे हमारी मांग है। अगले महीने में ये याचिका हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आ सकती है, ऐसी प्रतिक्रिया किरीट सोमैया ने दी है। उद्धव ठाकरे परिवार 19 बंगले घोटाळ्याच्या विरोधात आज मुंबई उच्च न्यायालयात माझी याचिका दाखल झाली। रश्मी उद्धव ठाकरे, मनीषा रवींद्र वायकर
यांनी अन्वय नाईक कडून बंगले घेतले, त्या बंगल्याची किंमत 6.5 कोटी ते लपवले. उद्धव ठाकरे रवींद्र वायकरने आपला निवडणूक शपथ पत्रात ते दाखवले नाही, इन्कम टॅक्स पासून लपवले. याची न्यायालयीन चौकशी व्हायला हवी अशी आमची मागणी आहे. पुढच्या आठवड्यात ही याचिका हायकोर्टात सुनावणीसाठी येऊ शकते. श्री नरेंद्र तिडके महाविद्यालय के राष्ट्रीय छात्र सेना की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का आयोजन किया गया. राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ का योग पटु रोटोपेश्वर माहुले इनके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय छात्र सेना के विद्यार्थियों ने योगासन का पाठ पढ़ा. टोपेश्वर माहुले ने विभिन्न योगासन किए. इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर संगीता टक्का मोरे ने योग का महत्व समझाया. कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय छात्र सेना के डॉक्टर बाला साहेब लाड ने किया और डॉक्टर महेंद्र लोधी ने दर्शकों को धन्यवाद दिया. कार्यक्रम की सफलता के लिए राष्ट्रीय छात्र सेना के छात्रों ने अथक परिश्रम किया. अफगानिस्तान में बुधवार को आए भूकंप के तेज झटके के चलते करीब 920 लोगों की मौत की खबर है. अफगानिस्तान की सरकारी समाचार एजेंसी का कहना है कि देश के पूर्वी पक्तिका प्रांत में आए भूकंप में कम से कम 920 लोग मारे गए हैं. सरकारी बख्तर समाचार एजेंसी ने बुधवार को मरने वालों की संख्या की सूचना दी और कहा कि बचाव दल हेलीकॉप्टर से पहुंच रहे हैं. पक्तिका प्रांत में 6 तीव्रता का भूकंप आया था. तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही. कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज. नमस्कार.